वेलकम बैक दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर लूप के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने ब्रेक एंड कंटिन्यू डॉट सी नाम से एक फाइल बना दी है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ हमारी सी की बॉयलर प्लेट कोड, और मैं यहाँ पे सिंपली जो हमने पिछले वीडियो में लिखा था वो फॉर लूप यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो पहले मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगाता हूँ। तो सिंपली मैं लिखता हूँ इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन 10 तक हम लोग हमारा लूप चलाएंगे। और प्रिंट क्या करेंगे, तो हम लोग प्रिंट करेंगे जो पिछले वीडियो में किया था वही करते हैं, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटेज डी लगाया मैंने। यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाता हूँ और यहाँ पे आई की वैल्यू हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो सिंपली मैं अगर इससे रन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 से लेके 9 तक जो है वो हमारे नंबर प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो देखते हैं, देखो जैसे कि हमें एक्सपेक्ट था 0 से लेके 9 तक सारे नंबर प्रिंट होके मिल गए। लेकिन अभी मुझे क्या पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है ब्रेक के बारे में। तो सिंपली मैं फॉर लूप के अंदर ही ब्रेक लगाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग ब्रेक व्हाइल लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर। तो मैं आपको फॉर लूप के अंदर इफ लगा कर दिखाऊंगा कि किस प्रकार हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। तो मैंने इफ लगा दिया, इफ के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ आई इक्वल इक्वल्स 5, ठीक है। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तब क्या कर देना, तब कर देना ब्रेक कर देना। अभी देखो ब्रेक क्या करता है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले ही आपको समझ जाएगा कि ब्रेक क्या करता है। तो मैं जैसे ही रन करूंगा, देखो जहाँ पे हमारी वैल्यू 9 तक प्रिंट हो रही थी वो अभी 5 तक प्रिंट हो रही है, ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए देखते आखिर ब्रेक ने ऐसा क्या किया। देखो आई की वैल्यू 0 थी, वो लूप के अंदर चला जाएगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, वैल्यू 0 प्रिंट हो गई। ऐसा कब तक करेगा, जब तक वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब, ठीक है। जब वैल्यू 5 हो जाएगी तो देखो आई की वैल्यू है 5 इज लेस देन 10 बराबर है, वो लूप के अंदर जाएगा, 5 की वैल्यू भी प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा इफ आई इज इक्वल इक्वल टू 5, आई की वैल्यू है यहाँ पे 5, ठीक है, आई की वैल्यू है 5 है, तो दोनों हो गए मैच। जैसे मैच हो गया वो इफ के अंदर चला जाएगा और ब्रेक करेगा। ब्रेक मतलब क्या होता है, वो जिसे भी लूप में है, अभी ये ब्रेक कौन से वाले लूप में है, ये वाले फॉर लूप में है, तो वो सीधा फॉर लूप के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक किस प्रकार काम करता है, ठीक है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूं आई इज इक्वल टू 1, जब आई की वैल्यू 1 है तभी ब्रेक कर जाओ, तो आई की वैल्यू सिर्फ 2 बार प्रिंट होगी, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए। देखो यहाँ पे एक बार 0 के लिए प्रिंट हुई, एक बार 1 के लिए प्रिंट हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक किस प्रकार वर्क करता है। अभी कंटिन्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कंटिन्यू के बारे में देखने के लिए मैं सिंपली यही फॉर लूप यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि चेंजेस क्या करना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चेंज करूंगा, ये जो मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया है वो मैं नीचे लगाता हूँ, ठीक है। ये कंटिन्यू करने के बाद देखो दोनों का मैंने प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं है, जहाँ पे ब्रेक था वहाँ पे मैंने कंटिन्यू लगा दिया है, ठीक है। और सिर्फ ये प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट नीचे लगाया है। अभी मैंने नीचे क्यों लगाया है ये भी आपको विद इन सेकेंड समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और देखो अभी कंटिन्यू क्या काम करता है। तो मैं इसे रन करता हूँ सिंपली, तो देखो i की वैल्यू प्रिंट हो गई 0 से लेके 2, 3, 4। देखो यहाँ पे मिसिंग क्या है, 1 मिसिंग है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने i इक्वल्स टू 1 के लिए कंटिन्यू लगाया है। तो सिंपल ध्यान में रखो कि जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो वो वाली इटरेशन नेग्लेक्ट करता है जिसमें हमने कंटिन्यू लगाया है। हमने कंटिन्यू किस कंडीशन पे लगाया है, जब i इक्वल्स टू 1 होगा तो सिर्फ वही इटरेशन वो नेग्लेक्ट कर देगा, बाकी सारी इटरेशन के लिए वो फिर से लूप चलाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रेक में क्या होता है, वो जिस कंडीशन पे ब्रेक होता है उसके आगे वो लूप चलाता ही नहीं, क्योंकि वो लूप के बाहर चला जाता है। यही डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक सीधा लूप के बाहर चला जाता है और कंटिन्यू क्या करता है, तो सिर्फ वो वाली इटरेशन स्किप करता है। देखो अभी मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू अगर मैं 5 लगाता हूँ तो वो
5 प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सारी जगह पे वो प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं नीचे चल के, देखो 0 के लिए प्रिंट किया, 1 के लिए किया, 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, 4 के लिए किया, लेकिन 4 के बाद देखो यहाँ पे 6 आया है, 5 मिसिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने 5 के लिए यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है। अब आप लोग बोलोगे तू ये प्रिंटफ स्टेटमेंट नीचे क्यों लेके आया? तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाता तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं ऊपर चला गया तो देखो वो पहले प्रिंट हो रहा है, तो हमें सारे नंबर प्रिंट होके वैसे भी मिलने वाले हैं। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं जब भी कंटिन्यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ से नीचे प्रिंट करना पड़ता है, क्योंकि ये इटरेशन हमें स्किप करनी है। तो समझ में आया होगा कि आपको जब आप लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो लूप के बाहर ही चला जाता है, उसके बाद वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। अगर आप लोग ये ब्रेक अगर नेस्टेड फॉर लूप में यूज करोगे, नेस्टेड फॉर लूप मतलब क्या, फॉर के अंदर दूसरा फॉर अगर आपने लगाया तो वो पहले वाले फॉर लूप के बाहर चला जाएगा, लेकिन सेकेंड वाला लूप वो एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसे रहता है वो। और कंटिन्यू आपको समझ में आया होगा इजी है, वो खाली वो वाली इटरेशन स्किप करता है, बाकी सारा एग्जीक्यूट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों वर्क करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सुझाव या फिर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।